कहीं जिंदगी आसान बनाते बनाते बहुत मुश्किल ना हो जाए। मुर्दार है वो मशरा जहाँ मजलूम ये ना बता सके कि जालिम कौन है। हर कोई दुनिया को बदलने का सोचता है लेकिन खुद को बदलने का नहीं सोचता। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई भी इंसान कैसा है तो अच्छी तरह देखते हैं कि वो अपनी से कम कर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है। जब आप नाराज हो तो फैसले ना करें, जब आप खुश हो तो वादे ना करें। हराम और सुकून दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। बदला तो दुश्मन लेते हैं, हम तो माफ करके दिल से निकाल देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हर दरवाजा दस्तक के लायक नहीं होता। मुश्किलात का पत्थर तराशने के बाद जो हीरा निकलता है उसे कामयाबी कहते हैं। लोगों के चेहरे पर मत जाएं, चेहरे से बड़ा कोई निकाब नहीं। ख्वाहिशात के पांव अगर ज्यादा से बाहर निकल जाए तो फिर सुकून नसीब नहीं होता। जो आपके पास है वो इन सब चीजों से बेहतर है जो आपके पास नहीं है। सिर्फ अमाल का हिसाब नहीं होगा, कही हुई हर बात का जवाब देना पड़ेगा। बनावटी मोहब्बत करने वाला खुले दुश्मन से ज्यादा बुरा है। तीन अमल ऐसे हैं जो इंसान रोजाना करता है उसका रिजल्ट बहुत बढ़ जाता है। तहज्जुद की नमाज पढ़ना, कसरत से सदका करना, कसरत से अल्लाह का जिक्र करना और इस्तग़फ़ार करना। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दी जाए। मैं सब जानती हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का घंटा बना देती है। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक चुप रहना, दूसरा माफ कर देना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर फिर कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बेहतर कोई काम नहीं। जिंदगी में तीन लोगों को कभी मत भूलो, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर है। खुश रहने का सिर्फ एक ही राज है कि उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। चपलूसों और चलाक लोगों से होशियार रहना, सुना है दरियाओं के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है कि तकलीफ उठा ली जाए। अकलमंद अपने फैसले खुद करता है, जाहिल अवाम की राय पर अमल करता है।